Good morning everyone, 5th class. Today is 20th of January और day है Wednesday. आज हम करेंगे page number 140 पर, जो कि यहाँ पे लिखा है practice time, match this. ठीक है, match करना है आपको इसको इसके साथ और इसको इसके साथ. ठीक है, तो match each yellow box with one green and one pink box. ठीक है, यहाँ पे pink और yellow तो नहीं दिए हैं, लेकिन आपको book में जब आपको pink और yellow जब दिख जाएंगे, pink yellow green जब आपको दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसको इसके साथ match करना है, इसको इसके साथ. ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे रुपीस में दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है, और यहाँ पे पैसे में दे रखा है सिंपल, जैसे 25 पैसे, 99 पैसे. ठीक है, और इस साइड जो वो रुपीस में दे रखा है और डेसिमल में दे रखा है. ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छी अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ताकि आपको सारे ही क्लियर हो जाए. जैसे कि मेरे पास जो वो 50 पैसे है, मान लो 50 पैसे हैं मेरे पास. ठीक है, 50 पैसे. अब आपको पता है कि एक रुपीज कितने के इक्वल होता है, एक रुपीज होता है 100 पैसे के इक्वल. ठीक है, 100 पैसे के इक्वल जो वो एक रुपीज होता है. ठीक है, एक रुपीज जो वो 100 पैसे के इक्वल होता है. तो मेरे पास कितने हैं, मेरे पास है 50 पैसे. तो 50 पैसे है, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास जो वो 100 में से कितने हैं, 50 है, मतलब कि 50 अपॉन 100 है. अगर मैं इसको काटूं तो 0 से 0 कट जाएगी, 5 से 10 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब कि मेरे पास जो वो हाफ रुपीस है. इस हाफ रुपीस का मतलब कि मैंने इसको डेसिमल में निकाल लिया. डेसिमल में मैं इसको कैसे लिखूंगा, डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन में. ठीक है, तो फ्रैक्शन में मैंने इसको लिख लिया 1/2, और 1/2 को हम लोग हाफ बोलते हैं. तो हाफ का मतलब हाफ रुपीस. तो हाफ रुपीस मतलब कि एक रुपीज का हाफ मैं कर दूं तो 50 पैसे ही बनेगा, क्योंकि 50 पैसे और 50 पैसे 100 पैसे बन जाएगा, जो कि 1 रुपीज के बराबर होता है. तो इसको मैंने जो वो ऐसे इसको चेंज कर दिया फ्रैक्शन. ठीक है, अब देखिए 1/2 आ रहा है. अगर मैं इसको डेसिमल में ही लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 50/100. ठीक है, मतलब कि 100 में से 50 है मेरे पास, 100 पैसे में से 50 पैसे मेरे पास है, इसका मतलब ये हुआ. ठीक है, तो अगर मैं इसको डेसिमल में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा. ठीक है, तो मैं इसको 0 से 0 में काट दूंगा, तो 5/10. अब मैं 5/10 को ही डेसिमल में लिखूंगा, तो 5 का 5 लिख दिया, एक 0 है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाऊंगा यहां पे, और इस साइड में 0 लगा सकता हूं, 0.5. यहां पे 0.5 जो वो यहां पे बन गए. ठीक है, अब देखिए हाफ वाला कहां पे, यहां पे हाफ रुपीज है, तो हाफ रुपीज का मतलब होता है 50 पैसे, और 50 पैसे का मतलब होता है सॉरी 0.5, और 0.50 लिखा है यहां पे, 0.50 लिखा है, इसको भी आप समझिए. यहां पे देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, 1/2 रुपीज का मतलब है 50 पैसे हाफ. ठीक है, हाफ रुपीज का मतलब 50 पैसे है, और इसको मैच किया है यहाँ पे रुपीज 0.50 से, जबकि मेरा आंसर निकला 0.5. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 0.5, इस साइड में जितनी मर्जी जीरो लगा लूँ, राइट साइड को 5 के आगे जितनी मर्जी जीरो लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर इस पॉइंट के इस साइड को भी मैं जितनी मर्जी लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेसिमल को कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, डेसिमल चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब है 0.50 लिखो या 0.5 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.5 भी लिखेंगे तो भी सही है. ठीक है, तो वैसे ही आप सभी क्वेश्चन को आसानी से मैच करिए. जैसे कि 1/4 लिखा है, 1/4 का मतलब है कि 100 का फोर्थ पार्ट, 100 का फोर्थ पार्ट. तो अगर मैं 100 का फोर्थ पार्ट कर दूं, मतलब कि 100 को 4 से डिवाइड कर दूं, तो 4 1 जा 4 आपको पता है 25, 4 जा होता है 100, मतलब कि 100 का फोर्थ पार्ट हो गया 25 पैसे. तो ऐसे मैं इसको निकाल सकता हूँ 25 पैसे. अगर मेरा आंसर जो वो 25 पैसे आ गया, तो इसको 25 पैसे से मैं यहाँ पे मैच करूंगा 25 पैसे से. अब मैंने इसको डेसिमल में बताना है. ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैंने लिखूंगा कि 100 में से मेरे पास जो वो 25 पैसे है, तो 25/100, और मैं इसको डेसिमल में लिखना चाहूँ तो 25 लिखूंगा, और 2 0 है नीचे डिनोमिनेटर में, 2 0 है, तो 2 डिजिट के बाद जो वो डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं, 0.25 जो इसका आंसर आ गया. और एक बात और समझिए यहाँ पे कि जैसे डेसिमल के बाद मैं यहाँ पे 25 नहीं बोलूंगा, जैसे 0.25 ही बोलूंगा, 25 नहीं बोलूंगा. ठीक है, ये रूल्स है कि डेसिमल के बाद जो वो डिजिट को अकेले अकेले सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है. ठीक है, रीड किया जाता है, तो 25 बोलूंगा, 25 नहीं बोलूंगा. तो इसका बात इस बात का भी आप ध्यान दीजिए. तो रुपीज 0.25 इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे मैच कर देंगे. ठीक है, वैसे ही सारे क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझिए और कंप्लीट करिए. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.